गाइस मेरी मम्मी ना आते ना तब कुछ रहती है जाते तो रोने लग जाती है। अच्छा रोक बंद कर दिया। हे गाइज गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सब बहुत ज्यादा बढ़िया अच्छे होंगे। भाई दिन के 2 बज गए ना, तो वैसे व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया था क्योंकि घर पे आता हूँ ना मैं, सोच के आता हूँ यार घर पे जाऊंगा तो इतने सारे व्लॉग बना लूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, बट यहाँ आता हूँ ना तो बनते नहीं है। पता नहीं अलीगढ़ चला जाता हूँ, इधर चला जाता हूँ, उधर चला जाता हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता है। जाने का समय हुआ तो मैं जाते जाते व्लॉग तो बनाना ही पड़ेगा। भाई देखो गाँव में तो क्या सीन रहता है, बहुत गंदा चल रहा है। अभी तो दिन में 10 बार तो आंधी बरबुड़े आते हैं, आंधी तूफान चलता रहता है दिन में 10 बार, तो मिट्टी मिट्टी हो जाता है। हम तो ना काले सुम हो गए इधर आते। गाइस आप सोच रहे होंगे हिंदी कैसी बोल रहा है, मैं ऐसे बोलता हूँ तोड़ती बोड़ती। इधर मेरी दादी आराम कर रही है। दादी अब जा रहा हूँ, आराम से रहना ठीक है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ठीक, कोई दिक्कत को ना? हाँ तो बढ़िया मस्त खा बोकर, बढ़िया रे बोकर, घूम ले बोकर, घूम बजाओ तुम सुबह सुबह। हाँ तो डेली घूम बोकर, एक चक्कर नहीं दादी, 2-3 चक्कर करा कर। मतलब एक शाम को कर ले ठंड में, और आशीर्वाद रखा जी मार ऊपर ठीक है दादी? ओके ओ आ जाऊँ ओ आराम जाऊँ खाई दिक्कत को। तो गाइस दादी से मिल लिए, हम मम्मी से मिलते हैं, पापा और दादा बुआ के प्रोग्राम है तो वहाँ गए हैं, तो पापा दादा से सुबह मिल लिया था, बाकी अब्बा की फैमिली से मिलते हैं निकलते हैं। मम्मी ने बहुत सारे सामान रख दिए भाई, क्या क्या रखे हैं? कपड़े हैं बहुत सारे, तो अचार रख दिए, प्याज रख दी, थक सज जाओ कर दी मार छे और पड़े कपड़ा आज मम्मी को दे दे, कोई दिक्कत नहीं, चल रख ले तेरे पास रख ले। अरे खाए ना मांगे काम आ जाए तो दिया जा। तो भाई मम्मी जी से मिल लिए, अब जा रहे हैं। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया। अरे यार मम्मी देख रोने लग जाती है ऐसे रोते रोते। गाइज मेरी मम्मी ना आते ना तब खुश रहती है, जाते तो रोने लग जाती है, ऐसे थोड़ी होता है मम्मी। चुप हो जा, अब तो तारो बेटो अब लग गयो है दिक्कत का। ये तुम बड़े मकान बन रहे अपने, बड़े सब कुछ से भगवान की कृपा से। तू रोरी कीजे? हाँ बढ़िया से रे बेटा। रोरी कीजे तू? हाँ जैसे रो तो से। चुप हो जा। अब तो मम्मी आते रहे होंगे यार, क्यों टेंशन कर रही थी तू? हाँ बढ़िया सब कुछ भगवान अपना साथ से, तो भी दिक्कत गई। अब तो भगवान अपना तो साथ दे रहे थे, सब कुछ से सब सुखी से, कोई दिक्कत ही को ना। ये तो खुशी का आंसू, चलो खुशी का आंसू मस्त रहे बगर, और आशीर्वाद दे मना रंग के तन दुनिया ना, जब मैं आगे बढ़ा ठीक है, और मैं आगे बढ़ेगा तो तभी खुश रहूंगा है ना मम्मी? ठीक है बढ़िया रे बगर, को बड़ा का मार बेटा, मार मार तो बढ़िया आशीर्वाद मार का मैं बढ़िया। अब थोड़ी बढ़िया जाता है पोती, फिर पोती नडे छोड़ रहा हूं, तो यहां के साथ आके बढ़िया खेलगनो जाओ लो ठीक है मम्मी है ना? फिर माँ का भी कहीं जाओ, एमी बड़ी होगी ना तो थक भी टाइम पास हो जाओगे, और एमी गाँव में अच्छे से पढ़ भी जाओगी। ओके तो चलो होगा ना, फिर तू रोगे ना तो फिर मन रो जाओ चंदा से। अब रो क्यों आपने, दुखी कौन है? सुखी था तो क्यों रोवा? दुख तो कौन है पर फिर आप चैन बड़ा चैन वैसे आपको जाओ जे तो बोले आज की ताव ऐसे भाई कोई दिक्कत को ना। अब तो अब बार मान लो मैं नौकरी लग जाता तो भी जयपुर बम्बई आगरा कहीं ना रहना पड़ता है ना। अब मुँह जयपुर कमा के लिए तो रहूँ मम्मी, अब आप मकान बन जाओगे तो भगवान कुछ अच्छे करोगे ठीक है, अब मकान बनाओ मस्त रहो ठीक है मम्मा बढ़िया। तो गाइज पापा और दादा, तो पापा और दादा तो प्रोग्राम में गए, मम्मी है सिस्टर भी गई प्रोग्राम में, तो मम्मी और दादी है, तो दादी से मम्मी से मिल लिया ठीक है मम्मा। ओके बाय। रोटी तो खा ले तो बेटा, रोटी तो मैं भूख कौन लग रही, और तो खा ही लिया सारा ठीक है। लव यू, बोल लव यू। लव यू मम्मी, लव यू गाइज, इसे बोल लव यू गाइज, गाइज ने गाइज। दादी यार दादी भी इमोशनल होगी गाइज, गाइज मेरी दादी भी इमोशनल हो जाती है, दादी इमोशनल नहीं होती ऐसे ठीक है। बड़े रब कर तू ना, अब बुढ़ापा में छन देख दादी यार तू भी सुना रही थी, तो अच्छो कौन लगे मैंने सब छन के बाद तार दादी ने की रोने तू, तो मैंने गलत बोला था छन सब भाई दादी की रो रही है ऐसे रो कौन दादी चुप रो कौन सर चुप रहा। अब यार बुआ सो सबसे मिल जाऊँ पे तो राम राम रहा, क्यों भाई वीडियो कॉल बात कराऊँ तुम है ना ठीक है ना। बड़े रब का अच्छा रोक हूँ दादी यार, देख तू रोजन पे मन बुरा लगे थे छन रोक इचे। हाँ चुप हो जा। अरे यार की रो रही थी दादी, चुप हो जा चुप हो जा, जाना रुपया वहाँ कब टेंशन हो जा, चुप हो जा सर रो मत। चुप हो जा। था टेंशन से कुछ
दिक्कत से गए तो फिर की रोड़ी से अच्छा दिक्कत ही कोना पा कुस्सा मम्मी देख कुस्सा पा सारा करगा कोई दिक्कत ही कोना बस कुछ रह गया सही से सब भाई आपने कोई चीज की कमी कहीं बार आपन पीसा की जगह पीसो घर की जगह घर खेती की जगह खेती खाना टाइम की सब कुछ बढ़िया भगवान सब कुछ अच्छे से तो मन ध्यान से भाई याद आओ जा पर मैं तो आता रहा ना महीना दो महीना में आई जाऊँ जा तो भी दिक्कत नहीं आई अब और जाऊँ अब तो क्या रोगी तो अगली बार जाऊँ फिर 12 महीना में आऊँ डायरेक्ट 12 महीना में आऊँ मस्त रहो तू तो ना और मम्मी तू बड़े रहोगे ठीक है चलो गले मिल लो बैठे बढ़िया रब कर ये दोनों बाहर रब करो बढ़िया हम तो दोनों मस्त रहते हैं टेंशन मत ले बस चलो बालक जब समझ जाओ बालक तो फोन आ ले फट फट फटे तो छे वो फटवा दिमाग है अच्छा मुंह ला जाओ बढ़िया फटवो तो मैं बैठो ठीक है बढ़िया रब गाइज मेरी फैमिली हो गई थी बहुत ज्यादा इमोशनल अब ठीक ठाक किया है सबको अब हम लोग निकलते हैं गाड़ी को स्टार्ट कर दिया अब जा रहे हैं हम लोग मनमोहन भी रेडी हो गया तो ठीक है बाय बाय ठीक है दादी बाय बाय तो चलते हैं फिर मिलते हैं जल्दी है ना एमी किया था उसमें बाली लेगी ना बाली बाली लेगी हाँ इन्हें लेगी तू बड़ी हो जा फिर गया हम लेगा तो नहीं तू लाडी बनेगी तो देख लेगा हाँ पहली लेगी लाडा याद आओ मैं जाऊंगा बुला ले कर बाय बाय करो मम्मी से दादी से बाय बाय कर लो बेटा जाओ भाग जाओ ठीक है मम्मी चलो जब लेट होगा फिर ना तो गाइस हम लोग रुके हैं उनियारा के पास में एक ढाबा है वहाँ पे काड़ू राम जी मिले हैं हमारे बीआईजी साहब राम राम साहब एमी इधर बैठी है हमारे बीआईजी साहब हमको कोल्ड ड्रिंक्स पिलाकर हमारा सम्मान कर रहे हैं गाइस अभी हम लोग रुके हैं ककोड़ में पानी पूरी खा के सब्सक्राइबर मिला छोटा सा इधर भी मिले तो गाइस हेलो राम राम भाई चलो गाइज का कोर पानी पूरी खा के टोंक से हम लोग आ जाते हैं मेंदवास कुछ रिश्तेदारों से मिलने तो यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर मिलते हैं प्यारे प्यारे से छोटे बच्चा है दो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं तो ये सब हमसे राम राम करती है हाई हेलो करती है और बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हमारी मतलब बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे सब लोग कि हम आपकी वीडियो डेली देखते हैं तो हमको बहुत खुशी हुई इनकी बातें सुनकर मेंदवास में हम लोग रिश्तेदारों के घर पर खाना खाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं बरौनी पहुँचते हैं टोंक के पास मेरी बुआ का छोटा वाला लड़का पुलिस की नौकरी करता है तो उसके पास आके हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीने लग जाते हैं पुरानी बातें करने लग जाते हैं मेरी बुआ के लड़के के साथ में एक और भाई था वो भी पुलिस में था वो भी हमारा सब्सक्राइबर था मालपुरा साइड का तो उससे भी मिलकर अच्छा लगता है फिर हम सब लोग फोटो शूट करते हैं कुछ सब्सक्राइबर होटल में बैठे हुए थे उन सबके साथ में भी फोटो वगैरह लेते हैं